एक नवंबर को सुबह 9 बजे मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मध्य प्रदेश गान के साथ समापन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन, अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मिश्रा जी जो बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व हैं और उन्होंने अपनी जमीन भी इस कलेक्ट्रेट, ये जो बिल्डिंग है, इसके लिए दान दी है, इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारी डिप्टी कलेक्टर मैडम, उपस्थित सभी आप सभी लोग जो आए हुए हैं, ये जो अवसर है, जैसा एसपी साहब कह रहे थे कि अब जो भी अभी जो भी कार्यक्रम होंगे वो नए जिले में प्रथम बार होंगे, तो ये हमारे लिए दुगनी खुशी का विषय है कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है और हमारा मऊगंज जिला भी नया बना है। अब एक एक महीने उसके अभी बढ़ते जा रहे हैं, अभी 3 महीने हो गए हैं, तो मैं आप सभी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूँ। साथ में हमारा जो मऊगंज जिला नया बना है, हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और हम सबका प्रण है, संकल्प है कि हम सब इस जिले को एक नई पहचान देंगे और मेरी अपेक्षा है कि साल दो साल के अंदर ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मऊगंज जिला अपनी एक पहचान बना पाए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं कुछ एक काम मैंने शुरू किया है कि जो यहाँ पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, यहाँ आर्कियोलॉजी और जो पुरातत्व के इतने सारे यहाँ पर चीज़ें हैं कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी संपदा बिखरी पड़ी हुई है जो पूरी तरह से छुपी हुई है, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो एक टीम लगी हुई है उसमें काम करने के लिए और बहुत जल्दी उसका डॉक्यूमेंटेशन करके वो सामने आएगी चीज़, तो आप लोग भी देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ इतना रिच कल्चर, हेरिटेज, आर्कियोलॉजी, ये सब इसमें है, तो उसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। और ये संक्षिप्त कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का मनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है शासन का। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और उसके बाद लगातार नए जिले भी गठित होते चले गए, प्रक्रिया चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया सतत है, वो हमेशा चलती रहती है। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और इसके साथ मैं चाहूँगा कि एक मतदाता की शपथ हम सब लोग ले लें, क्योंकि चुनाव का वक्त है, आदर्श आचरण संहिता लगी हुई है, 17 तारीख को पोलिंग होने वाली है, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम खुद भी जो भी 18 साल के हो गए हैं लोग, सब लोग मतदान करें और आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि अधिक से अधिक मतदान हो, सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों और निर्भीक, निष्पक्ष, बिना भय के हम अपने मतदान का प्रयोग करें और ये जो हमारा लोकतंत्र का उत्सव है इसमें अपनी सहभागिता निभाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खड़े हो जाएं, अपना दायां हाथ आगे कर लें और हम मतदाता की शपथ लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।